जी सर, महानूर आप कुछ कह रही हैं? सर मैं सलाम वालेकुम कर रही थी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुह। अभी कितने स्टूडेंट आ गए आशिर? सर तीन ही है। तो शैल वी वेट फॉर वन और टू मिनट्स? सर ग्रुप पे मैसेज कर दें एक दफा रिमाइंड करने के लिए। उसके लिए मिस सुमैरा है ना? मिस सुमैरा कहाँ गई? सर अभी क्लास खत्म हुई है, इकोनॉमिक्स की सारे ज्यादा थोड़े बच्चे आ रहे होंगे। मिस सुमैरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज जरा एक मैसेज भेज दें ग्रुप पे ज्वाइन करने के लिए। तुमने से कोई भेज दो, तुम लोग तुम लोग नहीं कर सकते ना? क्या कर सकते हो? सर कर सकते हैं, मैं कर देती हूँ। हाँ करे प्लीज। मैंने मोबाइल सेट कर दिया असल में स्टैंड पर, फिर वो बार बार। सर कर दिया। थैंक यू वेरी मच मैम। सर क्लास 1:10 तक स्टार्ट हो सकती है? 1:10 क्यों वजह? तुम लोग इकोनॉमिक्स से आए हो अभी इस टाइम? यस सर, अभी इकोनॉमिक्स की क्लास अभी अभी मतलब सेकंड्स पहले खत्म हुई है। अच्छा, क्या ये मिस्टर मेहरा से बात करनी पड़ेगी? मेरे ख्याल से 5 मिनट तो मिल सकते हैं। ऑफकोर्स मैं मिस्टर मेहरा से बात कर लूंगा, ठीक है? आज आफ्टर क्लास। ओके बल्कि आप शुरू कर देना इशू। ठीक है, बस हम एक आध मिनट और रुकेंगे, कोई स्टूडेंट अगर ज्वाइन करना चाहे तो कर ले। ऑलराइट, राइट, तो पार्टिसिपेंट हो गए यार, लेट मी चेक। मानूर हो गए, मोहम्मद अली, इमरान हो गए, ऑलराइट। तो पहले बताइए विजिबिलिटी के बारे में, बताइए बोर्ड विजिबिलिटी कैसी है? ये लिखा हुआ आपके सामने अभी एड मैथ की क्लास थी, ओ लेवल्स की, कोई नजर आ रहा है लिखा हुआ आप लोगों को? सही जी जी सर आ रहा है। वेरी गुड, और मेरी आवाज भी क्लियर है बिल्कुल? ओके, तो एवरीथिंग इज सेट। तो इंशाल्लाह बिल्कुल जैसे एक लाइव क्लास होती है वो बिल्कुल इसको इस तरह से प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, और आप मुझे रोक सकते हैं दरमियान में, कह सकते हैं कि सर ये बात रिपीट कर दें, दोबारा एक्सप्लेन कर दें। तो 100% तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट 70-80% एक जो फेस टू फेस क्लास है उसकी इफेक्टिवनेस को यहाँ पर देख सकते हैं आप इंशाल्लाह। ओके, तो हम प्योर मैथ का जो फर्स्ट टॉपिक जो मैं आपको टीच करूंगा वो है बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन, ऑलराइट। तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन के स्टार्टिंग पॉइंट एक ऐसी एग्जाम्पल से शुरू कर सकते हैं जिसका आपको ऑलरेडी आइडिया है, और उसी पर फिर हम उस बिल्डिंग को बिल्डअप करेंगे कि फिर अगर आप ये जानते हैं तो फिर और क्या क्या आप जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग ओ लेवल से ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हो ए प्लस बी होल स्क्वायर की, विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, या इसकी जो नेगेटिव साइन वाली थी
a minus b whole square, which is which was equal to a square minus 2ab plus b square. या कभी कभी ऐसी सूरत हाल भी होती थी कि दोनों माइनस में होते थे, यानी माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर. तो याद रखिए, अगर दोनों माइनस में है या दोनों प्लस में है, उसकी आइडेंटिटी सेम है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो ये जो मैंने आपके सामने आइडेंटिटीज लिखी, तो जब आप उस लेवल पे पढ़ रहे थे, दैट इज ओ लेवल मैथमेटिक्स, तो आपका टीचर जो है, या मैं भी जब पढ़ाता हूँ, तो मैं इसका जो प्रूफ इस्टेब्लिश करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के सामने, वो नॉर्मली ये होता है कि भाई a प्लस बी को a प्लस बी और कॉइल मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो a से a मल्टीप्लाई हुआ तो a स्क्वायर, a को b से मल्टीप्लाई किया प्लस ए बी, b को a से किया प्लस ए बी, और b को b से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर, फिर ए बी और ए बी एड हो गया तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो स्टूडेंट जो है वो मुतमिन हो जाते हैं कि ऑल्दो इट इज नॉट ए रिगरस मैथमेटिकल प्रूफ, बट एटलीस्ट ये रियलिस्टिक मैथमेटिकल प्रूफ है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर हाउ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. इसी तरीके से आप ए माइनस बी और माइनस ए माइनस बी उसको भी दिखा सकते हैं, ठीक है. लेकिन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिशियंस के सामने ये रहा होगा कि अगर ये जो पावर है वो बढ़ जाती है, लाइक ये पावर 6 हो जाती है या 7 या 5 या 10 कुछ भी, तो फिर तो ऐसा ऐसी अप्रोच बहुत टाइम ले लेगी. ए प्लस बी को पहले ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आया उसको नेक्स्ट ए बी से मल्टीप्लाई करो, उसके रिस्पॉन्स में जो आंसर आया उसको नेक्स्ट ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करो. तो ये एक ज्यादा कोई इंटरटेनिंग या कोई ऐसी कंफर्ट वाली मैथमेटिकल अप्रोच नहीं थी. तो फिर मैथमेटिशियंस के सामने ये आया कि भाई व्हाट इज वेरी यूनिक इन दिस एक्सपेंशन, उसको समझा जाए, उसको अंडरस्टैंड किया जाए, और एक जनरलाइज फॉर्मूला जो है, जनरलाइज अप्रोच की तरफ जाया जाए. वहीं से फिर ये टॉपिक स्टार्ट हुआ बायनोमियल एक्सपेंशन का. तो वी विल स्टडी कि अगर कोई भी पावर हो ए प्लस द पावर एन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान रखिएगा कि ए एस लेवल के ऊपर ये जो एन है ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है. आप चाहें तो अपने पास लिख लीजिए where n is a positive integer. और मैं यहाँ पर ये assume कर रहा हूँ कि आप सबको integer पता है. अगर आपको integer नहीं पता है तो मैं explain कर सकता हूँ where n is a positive integer. Yes, please बताइए integer का sense है ना आप लोगों को? Yes, नकवी, आशिर, मानूर. Yes, sir. All right. अब जरा आपने थोड़ा सा अपने कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है, क्योंकि मैं दो चीजों को लिंक करने जा रहा हूँ. नोट कीजिए कि जब यहाँ पर स्क्वायर था तो जब उसकी एक्सपेंशन हुई तो ए पर भी स्क्वायर हो गया. इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर अगर वैसे ही बिहेवियर हो रहा होगा तो ए की पावर एन आ जाएगी. जैसे यहाँ पे 2 था तो a पर 2 आ गया. तो इस तरीके से जब इसको एक्सपेंड किया जाएगा तो जो फर्स्ट टर्म होगी वो होगी a टू द पावर n प्लस. अब जो यहाँ अगला नंबर आ रहा है कोएफिशिएंट 2, वो सरप्राइजिंगली एक मैथमेटिशियन था पास्कल, उससे कहा कि वो n c 1 के इक्वल आएगा. व्हाट इज n c 1? ये अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है. थोड़ा सा कैलकुलेटर बेस्ड चीज है, आप कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको. सो द कोएफिशिएंट ऑफ द ए बी इज एन सी वन. फिर एक बात नोट कीजिए कि ए की पावर 2 थी और वो 2 से रिड्यूस होकर 1 हो गई, यानी एक पावर कम हुई.
तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ जो भी पावर होगी उसकी एक उसमें से वन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ए टू द पावर माइनस वन और बी एज इट इज आ जाएगा बी टू द पावर वन। फिर पास्कल ने कहा कि जो नेक्स्ट कोफिशिएंट है वो एन सी टू होगा, यहाँ एन सी वन है तो यहाँ एन सी टू हो जाएगा। अब ए से एक पावर और कम होगी यानी वो माइनस टू हो जाएगा और बी की पावर वन की जाएगी, बी की पावर वन फिर बी की पावर टू। नेक्स्ट कोफिशिएंट उसने कहा एन सी थ्री होगा और ए टू द पावर एन माइनस थ्री होगा और बी थ्री होगा। अब आप एक बात नोट कीजिए, यहाँ थ्री आ रहा है, यहाँ थ्री आ रहा है, यहाँ थ्री आ रहा है, नेक्स्ट कोफिशिएंट हो जाएगा एन सी फोर ए टू द एन माइनस फोर एन बी फोर प्लस, इस तरह चलता रहेगा। और लास्ट अब आप एक बात देखिए कि हर जगह पर क्या जरा आसान हो रही है मेरे घर के पास, मैं थोड़ा आसान के लिए रुकूंगा अपनी से। यस प्लीज, अब देखिए, अब आप एक बार नोट कीजिए कि ये जो मैं लिखा हुआ है इसको ऐसे लिखते हैं एन सी थ्री, यहां से लिख देता हूं मैं एन, बाज बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है एन सी थ्री, बाज बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है एन सी थ्री जो मैं नोट। अब जहां जो नंबर आता है वो सेम है, जरा देखिए एन सी थ्री ए एन माइनस थ्री बी थ्री, तो आगे जाकर अगर मैं इस सेम पैटर्न को मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं एन सी आर ए एन माइनस आर और बी आर और प्लस, फिर मैं फाइनली लास्ट टर्म पे पहुंच जाऊंगा और बी टू द पावर एन। जैसे यहां पर बी टू है तो आप देखिए बी टू आया, एक्सपेंशन खत्म हो गई, ठीक है। अब इशू ये है कि व्हाट इज एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री एन सी फोर, ठीक है, और फिर ये आर कहां से आ गया, ये आर इसके मैथमेटिकल पैटर्न का जनरलाइज्ड फॉर्म है कि यहाँ जो नंबर आता है वो सेम होता है। तो आगे चलकर हमें नहीं मालूम कि वो एन सी फाइव होगा एन सी सिक्स होगा एन सी सेवन जो भी होगा, तो हमने उसको आर कह दिया एन सी आर ए एन माइनस आर बी आर एंड देन फाइनली प्लस बी टू द पावर एन। अब ये बताइए कि आप लोगों ने कैलकुलेटर से कभी एन सी वन या एन सी टू कैलकुलेट किया है क्या? आप सबके पास कैलकुलेटर है? जी सर किया है, एड मैथ में किया था सबसे साथ। एड मैथ में किया, किसी ने ना किया पहले पहले वो बताओ ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर। नहीं किया सर। महानूर आपने किया है? सर मैंने किया है, मुझे एक सेकंड होल्ड कर, मैं कैलकुलेटर ले आऊं, मैं भूल गई लाना। यस यस व्हाई नॉट प्लीज। किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है तो भाई ले आओ कैलकुलेटर जाके। ओके दानिश फारूक आशिर वकास भी हैं, अली अब्बास नकवी वकास अली नकवी
साद अहमद ओके राइट। तो जिसने अगर किसी ने नहीं किया तो मुझे बताओ पहले, मैं अगर उसको एक्सप्लेन कर दूं या कैलकुलेटर से कैसे करना है, फिर मैं इसको दोबारा वापस आऊंगा। नहीं किया सर। ताकि आप नहीं किया आपने। ये कौन बोल रहा है सर? मैं आशिर। आशिर साहब वेरी गुड। आशिर देखो अगर तुम्हारे पास कैलकुलेटर है तो 61 जो है वो ऐसे निकलेगा कि आप पहले अपने स्क्रीन पर 6 ले आइए और फिर चेक कीजिए आपके कैलकुलेटर में सी जो है लिखा होगा, जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है सी, वो सी ले लीजिए और 1 और इक्वल्स दबाइए और 6 आंसर देगा आपको। चेक करो कैलकुलेटर में। सी कौन सा होता है? देखिए एक 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 बटन एक वो होगा आपके कैलकुलेटर में, उस पर ऐसे लिखा होगा NCR शिफ्ट दबा के डिवाइड का साइन। अच्छा शिफ्ट दबा के ठीक है ठीक है मिल गया। ओके ओके ठीक है। तो 61 देखो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है वरना मैं आपको। अच्छा ठीक है। अब इसी तरह 62 चेक करो क्या आंसर है। मालूम हो गया सर। आखिर आप बताइए सही है। यस सर। और तो एक मैथमेटिशियन था पास्कल, उसने ये हम पर एहसान किया तो उसने कहा कि ये जो कोएफिशिएंट या नंबर आएंगे वो आप NC1, NC2, NC3, NC4 इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला वाला नंबर था AN, तो उसमें 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 पास्कल ने कहा कि यहाँ NCN है, यानी दोनों नंबर सेम है, यानी 61 होगा। आप चेक कर लीजिए। और ये जो लास्ट वाला है उसमें भी NCN होता है, इसलिए उसे लिखते नहीं है हम, इसलिए पहले वाले में नहीं आता है, सॉरी पहले वाले में होता है NC0 और लास्ट वाले में होता है NCN। तो NC0 भी 1 होता है और NCN भी 1 होता है, लिहाजा हम नहीं लिखते हैं, सिर्फ दरमियान में लिखते हैं NC1, NC2, NC3, NC4 एंड सो ऑन। अब मुझे एक एग्जाम्पल सॉल्व करने दो, उससे तुम्हारे आइडिया इंशाल्लाह ताला 30% और एस्टेब्लिश हो जाएगा। Alright, एक मुझे पूरा एक पूरा एक्सटेंशन सॉल्व करने दो, ठीक है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं a+b^4, ठीक है। Alright, सबसे पहले फॉर्मूले के लिहाज से क्या होना चाहिए, a^n और यहाँ पर n 4 है तो यहाँ आ जाएगा a^4 तो प्लस प्लस NC1 यानी 4C1, हमारे पास N की वैल्यू 4 है, ये हो जाएगा 4C1। तो an-1 यानी 4-1 मल्टीप्लाइड बाय b ऐसे चीज आ गया। तो प्लस फॉलो कर लो सब लोग। तो नेक्स्ट क्या होगा बताओ, 4C2 a की पावर a^4-2 एंड देन b^2 सही है। तो नेक्स्ट क्या होगा, 4C3 a^4-3 एंड b^3 और जैसे ही 4C4 आएगा इसका मतलब है हम लास्ट पर पहुंच गए, 4C4 a^4-4 एंड b^4 सही है। बताइए सब लोगों ने फॉलो किया है ये। अब उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा a^4, अपने कैलकुलेटर चेक कर लो 4C1 होता है ठीक है, और ये हो जाएगा a^3 प्लस 4C2 चेक करो यार, क्वेश्चन बताओ 4C2 6 ओके।
और ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर ओ सी थ्री चेक कर लो प्लीज। फोर ये हो जाएगा ए एन पावर थ्री और फोर सी फोर मानूस चेक करो उसके बराबर है। फोर सी फोर सर मानूस वन अभी दो राइट वन एज ए कोफिशिएंट और ए प्लस फोर माइनस फोर कैंसिल जीरो आ गया एनीथिंग पावर जीरो प्लस टू वन तो यहाँ पर बी फोर आ गया। लिहाजा हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन के जरिए ए प्लस बी टू द पावर को एक्सपेंड कर लिया और उसका एक्सपेंशन ये आएगा। बताइए किस हद तक आप लोगों का आइडिया क्लियर हुआ है? जी सर क्लियर है। वेरी गुड बेहतरीन बेहतरीन। अब एक एग्जाम्पल मैं और सॉल्व करूंगा फिर आपसे सॉल्व करवाता हूँ। पहले जरा ये फॉर्मूला सही सिमिलर हो जाए आपके लिए। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गई और सेकेंड एग्जाम्पल में हम सॉल्व कर लेते हैं लेट से एक्स प्लस टू टू द पावर फाइव राइट। ओके जी अब यस ये हो जाएगा एक्स टू द पावर फाइव देन फाइव सी वन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे वो स्टूडेंट स्पेशली फॉलो करते रहे थे इश्यू ऑफ फॉर्म जो एडमेट वालों को थोड़ा सा आइडिया है तो वो थोड़ा उसको इजीली पिक कर रहे हैं मुझे अंदाजा है और होना भी चाहिए इसलिए उन्होंने एडमेट किया हुआ है। तो फाइव सी वन तो एक्स की पावर हो जाएगी फाइव माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई टू फिर प्लस फाइव सी टू एक्स टू द पावर फाइव माइनस टू एंड टू की पावर टू। अब देखिए बी की पावर इंक्रीज होती जाएगी यहाँ बी की पावर वन है फिर यानी ए एक्स की पावर रिड्यूस होती जाएगी और बी की पावर जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल पैटर्नाइज मैथमेटिक्स है इसको बेफिक्र हो गया आप सॉल्व करें तो ये x की पावर हो जाएगी 5 माइनस 3 तो जब यहाँ 3 आ रहा है तो 2 की पावर 3 आ जाएगी तो नेक्स्ट हो जाएगा 5c4 और x की पावर 5 माइनस 4 और 2 टू द पावर 4। जब आप पहुंचेंगे 5c5 पर तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हम लास्ट टर्म पे पहुंच गए यानी 5 माइनस 5 और टू टू द पावर फाइव। बताइए पहले आशिक और मानु समझ आया है आप लोगों को? जी सर आया। वेरी गुड वेरी। अब इसको वी नीड टू सिंप्लीफाई एक्स टू द पावर फाइव फाइव सी वन फाइव होता है। कोई एक स्टूडेंट जिसके पास कैलकुलेटर है वो मुझे बताता जाएगा यहाँ हो जाएगा फाइव और एक्स टू द पावर फोर मल्टीप्लाइड बाई टू। मैं तो स्टेप ज्यादा कर रहा हूँ इस वजह से हम फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल में है अदरवाइज हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में इनको फास्ट सॉल्व करेंगे। फाइव सी टू कितना होता है भाई? टेन टेन और एक्स क्यूब और टू का स्क्वायर हो गया फोर। फाइव सी थ्री कितना होता है मेरे भाई? टेन 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 और एक्स स्क्वायर और टू टू द पावर थ्री एट और फिर फाइव आया टेन आया टेन अब क्या आएगा फाइव सी फोर फाइव फाइव। देखिए आप नोट करें फाइव फिर टेन टेन फिर फाइव दोबारा आ गया सर। आपका माइक बंद हो गया वीडियो भी और कैमरा भी।
सर आपकी आवाज सिस्टम रीड नहीं कर रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ गई, अब आ गई। अब देखो आ रही आवाज मेरी? यस। सी हो जाएगा 80x2, देन वी हैव 80x+30। यस स्टूडेंट, बताइए समझ आया आप लोगों को? जी सर। ऑलराइट, मानूर आप बताइए, आशिक जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। जी सर, मैं साथ साथ कर रही हूँ। यस सर, हो रहा है आराम आराम। ठीक है, ओके। तो जब ये तुम लोग इसको कंप्लीट कर लो तो ऊपर में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो ट्राई करेंगे आप लोग। ठीक है, पहले जब जब इसका फॉर्मूला आप और वो इजीली यूज कर लेंगे ना, ये टॉपिक में कोई मुश्किल नहीं होगा। सो द थर्ड एग्जाम्पल आप लोग ट्राई करेंगे। टू एक्स प्लस वन टू द पावर फोर, ठीक है? पहले इसको नोट कर लो, फिर इसको ट्राई करो। सर एक क्वेश्चन पूछना है मुझे। सर ये जैसे हमने लास्ट स्टेप में वो किया था 5c5x की पावर 5 माइनस 5 और 2 की पावर 4 5, लास्ट स्टेप में, तो हमने इसको किस तरह नीचे सॉल्व किया? ऐसे सॉल्व किया मैंने, अब पहले तुम कैलकुलेटर में चेक करो मानूर के 5c5 क्या होता है। 1 आ रहा है। 1 आ रहा है, ओके। अब जब x की पावर 5 माइनस 5 का मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x की पावर क्या हो जाएगी? 0, ठीक है? और एनीथिंग पावर 0 इक्वल्स टू 1 है या नहीं? हाँ ठीक है, ठीक है। तो 5c5 भी 1 हो गया, x की पावर 0 भी 1 हो गया, तो सिर्फ क्या रह गया? 2 टू द पावर 5 व्हिच इज 32, ठीक है सर? ओके, दिस इज 32, ठीक है, राइट। आपके वीडियो में नहीं देखो मुझे तो प्रॉब्लम हो, फोन पूछिए। हो गया सर। वेरी गुड। ये कौन थे? अली अब्बास। अली अब्बास, वेरी गुड। अली अब्बास थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा बाकी स्टूडेंट्स पे वो करने के लिए चाले सात आंसर तुम फोन करके।
जी सर मुझसे भी हो गया. वेरी गुड. ओके मानू प्लीज आंसर बताइए आप. जी सर आंसर बताओ. 2x की पावर 4 तो उसको आप कहें 16x4. ओके 8x क्यूब प्लस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1. यस प्लीज आंसर कंफर्म कीजिए. बाकी लोग का आंसर ये सर बी का आ गया सर. यही है बी. ये बी वन है ना. अच्छा बी वन. हाँ देखो हाँ बी वन है तो तुम उसका कोई भी पावर रेस करोगे वन ही आएगा ना. जी जी सर. वन स्क्वायर वन में क्यों हुआ इसलिए वो सारा इफेक्ट जो है टू का ही नजर आएगा. वेरी गुड. ओके ओके अब मैंने आपसे जब ये बाकी सब कर दिया इसको हाँ भाई अगर ए माइनस बी की पावर एन हो जो हमने अब तक सॉल्व किए हैं वो सारे पॉजिटिव वाले तो अगर नेगेटिव आ जाएगा तो उसको आप ऐसे हैंडल करेंगे a टू द पावर n पहला पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा nc 1 a n माइनस 1 b फिर नेक्स्ट जो होगा वो यानी ऑल्टरनेट चलेगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. अब इसके बाद का ख्याल रखिएगा b की वैल्यू नेगेटिव का जो इंपैक्ट है वो यहाँ आ चुका है तो आप दो मरतबा माइनस का तका दीजिएगा कि b के साथ भी माइनस लगा दी और ये वाला माइनस भी लगा दी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो मेक श्योर कि आप बस ये याद रखें कि फर्स्ट पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव इससे आप गलती से बच जाएंगे. nc2 an माइनस 2 b2 फिर अगला नेगेटिव होगा nc3 an माइनस 3 b3 ठीक है नेक्स्ट पॉजिटिव हो जाएगा nc4 an माइनस 4 b4 और इसी तरह चलता रहेगा दिस फैशन और फिर वही टर्म आ जाएगी ncr. सर अभी आपने b के नेगेटिव साइन के बारे में क्या बोला. मैं दोबारा बोलता हूं. अच्छा देखो जो b के नेगेटिव साइन का इंपैक्ट यहां पर आना है वो हमने यहां दिखा दिया है माइनस. अगर कोई स्टूडेंट यहां पर माइनस लगा देगा और यहाँ b के साथ उसका भी माइनस लगा देगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वो फिर आंसर गलत होगा. इसलिए हम कहते हैं कि जो b का नेगेटिव साइन है उसका इंपैक्ट हमने दिखा दिया है तो उसको बार बार नहीं दिखाना आपने कि माइनस यहाँ भी लगा दिया एक माइनस यहाँ भी लगा बस ये याद रखें. हाँ वो पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव a n माइनस r और b r और फिर जो भी लास्ट टर्म होगी वो प्लस हो या माइनस हो b टू द पावर n ये एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगा. बात समझाइए भाई आप लोग. और मैं इस r की एक्सप्लेनेशन अब तक नहीं की है मैंने वो मैं करूंगा लेकिन मैंने कल कहा था कि मैथमेटिक्स से लीनियर सब्जेक्ट इसको सीखा जाता है स्टेप बाय स्टेप लिहाजा पहले मेरा फोकस एक्सपेंशन है फिर मैं इन बातों पे जाऊंगा कि आर आर का कॉन्सेप्ट क्यों है और किस लिए है फिर वो इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा. अब एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं ट्राई कीजिए प्लीज. वन एग्जांपल हमारे पास है x माइनस 3 टू द पावर 4 इसको एक्सपेंड कीजिए आप लोग को ट्राई करें. ये मैं यस नेप ये है x माइनस 3 टू द पावर 4. थैंक यू सर. सही है अब यूज ठीक है. अच्छा एक बात बताइए बोर्ड की विजिबिलिटी कैसे.
कैसी है, क्या ये और इम्प्रूव हो सकती है, बताएं आपकी? नहीं सर ठीक है. ठीक है ओके मैम. ये कौन था सर? ये हमारे कौन से स्टूडेंट थे जिन्होंने बोला? सर मैं थी मानू. अच्छा मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह करने के नेक्स्ट क्लास में अगर विजिबिलिटी और इंप्रूव हो सकती है थ्रू मोर लाइटिंग या कुछ और तो मैं कोशिश करूंगा. सर सर ये जो आपने इससे पहले वाला सवाल दिया था 2x plus 1 की पावर 4 वाला, उसका मेरा आंसर फर्क आ रहा है, तो जरा वो आप जरा सॉल्व करके दिखा दीजिएगा. अच्छा आपका आंसर डिफरेंट है. अच्छा ठीक है. और बाकी स्टूडेंट बताइए. सर मेरा तो ये यार. ऑलराइट सॉल्व करके दिखा दीजिएगा. मैं सॉल्व करता हूं. ठीक है जब पहले आपके वाले एग्जांपल ट्राई कर लो तो इसको दोबारा करके हो सकता है गलती हो कोई उसके. सर हो गया ये वाला. एक मिनट रहिएगा सब स्टूडेंट कर लें. हमें क्या आंसर है? x4 माइनस 12 x3 हमें प्लस 54 x2 54 x2 माइनस माइनस 108x 108x Plus 81. Plus 81. Plus 81. Right. Okay. हाँ भाई बताइए सबने कर लिया सॉल्व? अच्छा वो स्टूडेंट जो के डिसएग्री कर रहे हैं कि ये आंसर शायद सही है, वो हम सॉल्व कर रहे हैं दोबारा ताकि कोई कंफ्यूजन है या कोई गलती है तो वो रेक्टिफाई हो जाए. तो ये हो जाएगा जनाब यानी 2x to the power 4 plus 4c1 2x to the power 3 multiplied by 1 plus 4c2 2x to the power 2 multiplied by 1 square plus 4c3 2x to the power 1 multiplied by 1 to the power 2 plus 4c4 and 2x to the power 0 and 1 to the power 4. पावर थ्री या 4c1 4 हो गया और यहाँ हो जाएगा 8x3. 4c2 क्या होता है प्लीज बताइएगा जरा मानू या कोई स्टूडेंट बताओ भाई 4c2 क्या होता है?
यहाँ मेहर से आप इसका क्यूब करना भूल नहीं है, शायद 2^3 8 भी होगा ना, ये 8x³ हो जाएगा, ठीक है। प्लीज जरा 4c³ बताइए ना स्टूडेंट, सवाल चाहिए होंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेटर रखूंगा अपना भी, 4c² सिक्स होता है सर, सर 4c² 6 है। हाँ भाई सर, वो कह रहा है 4c² 6 है। तू मुझे बता दे 4c² क्या होता है सर, नेट चेंज कर ले, उनको आवाज ही नहीं जा रही सर। 6 हाँ सर, को आवाज नहीं जा रही। मारूर आप करेक्शन कीजिए पिछले वाले क्वेश्चन में, सर नेट बदल ले। हेलो हेलो सर, को आवाज नहीं जा रही सर, ने डिस्कनेक्ट कर दिया। यस जी सर, यस क्वेश्चन है मुझे बता दे, 4c² बता दो प्लीज, कैलकुलेटर यूज करके। आशिर आप बता दे सर, 4c² 6 से नेट बदल वाले इंसान सर, आवाज आपको मेरी आ नहीं रही होगी। हेलो, आप लोग आवाज आ रही है मेरी सर, आप व्हाट्सएप पे पढ़ा ले Ali Abbas, very good sense of humor. Thank you, thank you. Sir, आप तो हर ये क्या हो रहा है? सर आपका नेट स्लो चल रहा है, ये हुआ है नेट इश्यू, अब तो आपकी भी नहीं आ रही। अब हुआ है ना मुकम्मल सफाया ये। खुदा नहीं चाहता हम पढ़े अभी शायद। कोई भी नहीं चाहता। नेट इशू हेलो गुड मॉर्निंग यस सर, आ रही है सर, चार्जिंग खत्म हो गई होगी। हेलो जी सर, आवाज आ रही है। वो सर वो कॉल करो कोई, तुम ही कर लो ना। मेरे पास वो नहीं है बैलेंस। व्हाट्सएप कॉल कर ले, नेट पे तो बैठा हुआ है ना। अब मैं डेटा खोला हुआ है। मुझे तुम लोग की आवाज आ रही है। ओ जी सर, हेलो सर, this is nice। हेलो सर, अब तुम लोग गालियां वाली बात सुनो, गालियां वाली मैं शुरू कर देना, मुझे आवाज आ रही है। नहीं नहीं सेकंड नहीं करेंगे, इतना नहीं करेंगे। सर सर मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, इतना नहीं करेंगे। हां थैंक यू यार। अच्छा ये देखो, यहां पर ये करेक्शन थ्री, यहां पर यहां गलती थी हमारे पास, ठीक है। 2^3 8 हो गया, और यहाँ मुझे 4c² बताओ प्लीज क्या था? 6 तो यहाँ हो गया 6, then we have 4x², then 4c³ क्या है भाई? ये भी 6 है या 4 है? क्या चीज सर? 4c³, 4c³ 4 है, 4 है, 4 है multiplied by 2x, और यहाँ हो गया 1, so the final answer is 16x² plus 32x³ plus 24x² plus 8x plus 1। Very good। सर आप सही कह रहे थे, मैंने पावर को मल्टीप्लाई नहीं किया था। Exactly वो। अच्छा ये बताइए आप, ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया सबसे? जी सर, जी सर। और अब अच्छा एक मेरी एडवांस
अच्छा मेरी एक एडवाइस है, अगर तुम लोगों को मेरी आवाज ना हो आ रही हो तो तुम लोग उल्टी सीधी गुफ्तगू से जरा परहेज करना, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों की आवाज मुझे आ रही हो, ठीक है, राइट। सो यस, वेरी गुड। तो हम एक एग्जांपल और लेते हैं, लेसन फॉर टुडे वो है जनाब आगे 3x माइनस 1 टू द पावर 4। प्लीज ये ट्राई कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सेल फिनिश कर देंगे। 3x माइनस 1 टू द पावर 4 सही है। और ये तुम में से बैलेंस किसी के पास भी नहीं होता है क्या? व्हाट्सएप कॉल कर लो सर, हमारे पास बैलेंस खत्म हो गया था। माइनस 108 x पावर 3 प्लस 54x² माइनस 12x माइनस 12x प्लस 1 प्लस 1 ओके। बाकी जो सवाल कर रहे हैं प्लीज कंफर्म कीजिए आफ्टर फिनिशिंग हियर। सही है, सही है, यही आंसर है। वेरी गुड, वेरी गुड। सब सही है। और अब तो कोई और लेसन तो नहीं है तो आज आप लोगों का? नहीं सर, फ्री है। ओके, वेरी गुड। तो मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज इसको घर पे ट्राई कर लीजिएगा। इंडिपेंडेंट वर्किंग यू कैन इंस्ट्रक्ट देन एक्सप्लेन कीजिए आपको कितनी वाइटल चीजें हो। तो एक जो है वो है 1+3x पावर 5 एक ये ट्राई कर लीजिएगा और एक 2-2x टू द पावर 5 एक ये ट्राई कर लीजिएगा। नोट कर लीजिए प्लीज 1+3x टू द पावर 5 और 2-2x टू द पावर 5 एक्सपेंशन कीजिएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेसन जब भी है करिए परसों या आप लोगों से मुलाकात होगी। इट वॉज वेरी नाइस टू सी यू गाइस, अच्छा लगा आप सब लोग अच्छा अच्छी तरह से फील कर रहे हैं। ये बताइए कि इस क्लास की इफेक्टिवनेस को अगर किसी और तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है तो आप जरूर सजेस्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह वो इम्प्रूवमेंट में ले आऊंगा। फिलहाल ये बताइए इफेक्टिव है आप लोगों के लिए मेथड व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना? यस सर। ओके, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात। मैं यूज कर जाऊं, सबने नोट कर लिया है?
पंखा।